Tämä insari ei tätä, niin niin lamalla, niin kuin tori vii rasille vaikkaan, että kalloru, mä te jakupra vii te muodan, ne. Ah. Kaatu ko saa tuu kuor no muodan. Viru shorna duraka, uzro disha tine laga vedna. Pani bara bara tisha. Pani bara bara tisha meiro shorna. दूरा का उजड़ो दिशा। हाय एवरीवन, स्नेला प्राउड पहाड़ी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम गांव से थोड़ा बाहर आए हैं क्योंकि आज मेरे मिस्त्री भी नहीं है और सास जी भी अकेले हैं। जो रानी वगैरह है वो गए हैं शादी में, तो मैं और सास जी थे अकेले घर में। तो हमने बोला कि चलो थोड़ा घूम आते हैं, तो हम गांव से थोड़ा सा पीछे की तरफ आए हैं। तो गांव तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी जो हमारे सास जी हैं वो कुछ जो हमारे पौराणिक लोकगीत होते हैं जिनको लामण कहा जाता है, तो अभी बातों बातों में ये हमें बता रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था कि वहाँ कुछ खेत में काम किया है, शायद ओगल है। ओगल होता है कट्टू का आटा, आप जानते होंगे, और जो तो पहाड़ी होंगे उनको तो पता है ओगला फाफरा क्या चीज़ होता है। तो ये मैंने बोला कि ओगला तो नहीं बीजा हुआ है इन खेतों में, तो सास जी ने बोला कि नहीं ओगला नहीं है। तो सास जी सोच रहे थे कि अभी सावन है, मतलब मुझे लगा सावन है, ये तो अशौज हो गया है। तो फिर सास जी को एक लामण याद आया, जो कि कोई ननकरी साइड के थे, तो आए थे वो मेले। तो हमारे क्या होता था पहले है ना, देव पूरम ही न दे दौर करो, तो यानी कि जो हमारे महेश्वर देवता है वो पूरे महीने में हर गांव के दौरा करते थे। तो वहां से ननकरी से कोई आए थे, हमारी समरैरी बोलते हैं जो गोड़ी है, हाँ, तो वो ना देवते के साथ हर गांव में जाते रहे। तो पहले तो वो ओगल बीज के आए थे अपने वहां से ननकरी से, फिर आए थे वो समरैरी यानी के देवता महेश्वर जी की गोड़ी में, रियासती समझो एक प्रकार की। तो वो देवते के साथ पूरे महीने में एक गांव से लेकर दूसरे गांव तक जाते थे, और फिर लास्ट में होता हमारा जुरल का मेला। तो वो जुरल का मेला भी उन्होंने देखा और फिर चल पड़े वो वापस एक चोटी पे। जब उन्होंने चोटी से नीचे देखा तो जो वो बीज के आए थे ओगला वो फूल भी गया था। तो सास जी अभी वही वाला गुनगुनाएंगे, तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और देखिए कि किस तरह से हमारी जो लोक संस्कृति है, हमारी पौराणिक जो लोकगीत हैं लामण, तो किस तरह से गाते हैं। क्योंकि उस टाइम क्या होता था, संदेश का कोई जरिया नहीं होता था, तो संदेश के तौर पे भी लामण गाया करते थे। जैसे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले फिलहाल ये वाला लामण। दर निकलो उगड़ा बेड़ू रोनो उगड़ा फूले तेरी संदारेरी पादिता को जाता रे बुले, दर निकलो उगड़ा बेड़ू रोनो उगड़ा फूले। सो फ्रेंड्स, आपने अभी सुना कि सास जी ने जो हमारा पौराणिक फोक सॉन्ग गाया था लामण, कि उस टाइम में एक यही जरिया था संदेश पहुंचाने का। तो जैसे आजकल फोन पे बातें करते हैं, और उससे पहले चिट्ठी लिखते थे, तो लेकिन इनके ज़माने में ऐसा सोर्स नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे बहुत कम थे ना, थे बहुत ही कम था। तो तेई तो मका को रहता लामणी लाई कर, हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि लामण लगाते थे। तो वो चाहे जैसे ये वाला ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग है, वहाँ से पार से तो ये जाता था, तो लोई में कितने आदमी जाते थे, तो ये जैसे भेड़ के साथ होते थे, तुम्हें ना डोखरे दिया था खेत में होते थे, तो देख लिया कि कोई भी पार से जा रहा है, तो ये ना लामण के थ्रू अपना संदेश पहुंचाते थे उनको। तो किस तरह से वो उस टाइम गाते थे, तो सास जी आपको वो भी सुनाएंगी और मैं एक्सप्लेन करूंगी। लादी आम जैसी बेणी दुई की गे ओ दामाना की कोरो अमुके चुई, लामण लांदे हम बेशी बेणी दुई। अच्छा, और बोलो बाजार है, लामण की करो हम कुछ, हाँ, यानी कि लामण गाने हम दो बहने बैठी है, या तो तुम लामण गाओ या फिर हार मानो, है ना।
या मनोहर नाम ले ला तो पाई थी ओए तो खोर गाय थी ना अच्छा तो के लगन एक बेर लामड़ा दांत भे यागरा अच्छा अच्छा ये तो कहना सूप सूप तो और मात दिशा रोशनी पीली नानी देखे हो गई दिया और डीली कि एक दिन ये ना वहाँ पे खेत में काम कर रहे थे तो लवी वाले वहाँ से जा रहे थे कोई लवी के मेले से और तो उन्होंने इनके लिए जो लामल लगाया था उस टाइम क्या होता था कि दोड़ू पहनते थे दोड़ू यानी के पट्टू पहनते थे और ये सलवार कमीज बड़ा कम पहनते थे ना और तो वो दूर से गा रहे थे कि छुप छुपो दोड़ू उद दिशा उजली पीली पीली और नानी देखिया जी मारा हुआ ढीली यानी के तो कि छुप छुपा दौड़ू का मतलब होता था कि थोड़ा सा मतलब ऊपर तक दौड़ू से तो मतलब कि गोरी गोरी टांगे दिख रही है तो बोलते कि फिर मतलब चेहरा पता नहीं कैसा होगा उन्होंने फिलहाल उनकी पैर ही देखे हैं तो मतलब इस तरह से दो ही तो मका गया तई पारला हाँ तो ये तो इन्होंने उनको जवाब दिया था कि किनो हाँ भाई गयो न लामना तारा तारी कोरा बोटी रोशा हाँ डोडी खाई बाबरी हर खा घिउरा भोसा यानी कि भाई तुम लामण मत गाओ तुम्हारे जो घर में बीबियां है तो वो गुस्सा करेगी और फिर जो डोडी गाओ हाँ अफीम बीजते थे उस टाइम ना तो बोलते कि जो डोडी होती है वो खाई होगी तुमने या फिर भोज के साथ वो खाई होगी तो मतलब इस तरह से हाँ गेहूं के भोज के साथ तुमने वो खाई होगी तभी तुम लामण गा रहे हैं तो इसका मतलब ये था और फिर मैं कुछ और लामण इनसे बुलवाऊंगी अभी हाँ, इस तरह से गाते थे पहले गाना ना हाँ और आज ना तारा अपना जे जवानी रो टाइम भी याद होने लगन आंदरे है ना वेरी कॉल है बा वेरी के गुंडा के हां तो मैं इन सारी रही चाहती थी इन लमड़ लांदे कोई दौरी भी रार से ले बैग जाने हां दुई मत के लोड उस मत जा कूपड़े बे बे मोर दा है ना हां खादो को साथ भी गोर न मोर दिया तम लामना लांदी लगनी पारा लामना नेर को पीले अच्छा कॉल अतली नहीं लांदी लामना कुक वे अपने अपने इंडी इंडी हाँ हरे अच्छे तो बताए लागे लांदे मैं अमन लांदे गौर के लोड़ी तो बूटो से ही है अच्छा 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 हाँ उस टाइम ऐसे भी था कि या के देश से लगे नाम दे लामना लांदे कि हम बोली पारो इतने नहीं ना ग्रेस जब जो आज हमारे यूं देने ने पारे ओ ये वो पारो ला नहीं जून दाई लामना लांदी बेल बेल अच्छा गई थे अपना शोर ना शोर ना दूर का उजड़ो दिशा तिने लगा बेदना पानी बराबर दिशा। तो फ्रेंड्स अभी आपने सास जी का लामण सुने हैं। एक लामण तो इन्होंने इस तरह से गाया था कि ये दूसरे गांव में जाते थे सर्दियों में तो बोलते कि हम यहाँ रोड से चलते चलते गाते थे लामण कि मेरो शोर ना दूर का उजलो दिशा यानी कि जो मेरा गांव है दूर से उजला दिखाई दे रहा है। बोलते कि ऐसी मन में पीड़ा होती है इसको देखकर कि जैसे प्यासे को पानी की पीड़ा होती है तो हमें भी अपने गांव को देखकर इस तरह की पीड़ा होती है जब दूर से उसको देखते हैं कि कितना उजला है। और इसके बाद इन्होंने गाया है कि मतलब हमारा जो गांव है वो इतना प्यारा है कि एक मन में ऐसा सोचते हैं कि शादी नहीं करनी है पूरी उम्र में यहीं पर रहना है ना। और जो मेरे सास जी है ये पूरी उम्र इस लामन की तरह पूरी उम्र यहीं पे रह रही है क्योंकि ये इसी गांव में पैदा हुए हैं दूसरी वाली फैमिली में और शादी भी इन्होंने इसी गांव में किया है हमारी मेहता फैमिली में और इनकी जो मनोकामना है भगवान ने सुनी और इसी घर में यानी कि इसी गांव में ये हमेशा के लिए रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज हमारे सास जी जो गा रहे हैं हमारे लोकगीतों के बारे में और जो कि मतलब इनके ज़माने में गाए जाते थे गाते तो हमारे टाइम में भी थे जब हम छोटे छोटे थे लेकिन अब ये जो परंपरा है ये बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। तो आज सास जी ने काफ़ी अच्छे अच्छे लामण गाए और लामण जो कि एक दूसरे को संदेश देने के लिए काफ़ी थे उस टाइम। तो
एक लामण ये और गाएंगे अपने गांव के लिए, तो सुनिए जरा क्या गाएंगे ये, उस टाइम क्या गाते थे अपने गांव के लिए। तो अभी थोड़ा सा और इनसे गाने भेजते हैं। मेरो शोरना गोविले कोडुए बूटे तिने लगा बेदना छतीरे आकड़ा दो बूटे ओडा बाडिया का कारी गरे सिके बाहरी तोंगाई तो ए ने नालिके के छोड़िए को दो बाड़े कछुए जोटे अतरे दोरमा खिले देने सोंगिया खोटे।